इसीलिए जब हम हीलिंग करवाते हैं तो ऑरा क्लीनिंग सिखाते हैं बेसिक में ही, ताकि वो ऑरा क्लीनिंग करने से उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होते हुए उन्हें खुद को महसूस हो। रेकी हीलिंग सिस्टम क्या वैज्ञानिक होता है या फिर ये एक अंधविश्वास है? इस तरीके का क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि ये जो रेकी हीलिंग प्रैक्टिस की जाती है जिससे लोग ठीक होने का दावा करते हैं, तो क्या वो वैज्ञानिक भी है कि बस ऐसे ही विश्वास अंधविश्वास पे चल रहा है? तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इसी बात को क्लियर करूँगा कि रेकी एक्चुअली एक विज्ञान है जिसे अब मैक्सिमम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी समझने लगे हैं, क्योंकि इसका प्रभाव को आप साइंटिफिकली देख सकते हो, नाप सकते हो, समझ सकते हो। और कैसे काम करता है मैं उसके बारे में आज बताऊंगा। सबसे पहली बात कि जो रेकी हीलिंग सिस्टम है, नॉर्मली हम लोग उसे एनर्जी फील्ड पे काम करते हैं, क्योंकि रेकी अपने आप में भी एक एनर्जी है जिसको हम ब्रह्मांड की सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति बोलते हैं, जिसका नाम रेकी है। सो रेकी जो है वो एक एनर्जी है और वो एनर्जी लेवल पर ही काम करता है। फिर ये साइंटिफिक कैसे है वो भी आपको समझना है कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो बॉडी है, ये देखने में तो फिजिकल है, दिखता भौतिक है, लेकिन है ये एनर्जी ही, क्योंकि इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है या फिर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है। जो एटम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप नॉर्मली किसी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और वो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह सकते हैं। ये वो हिस्सा है जो हर एक चीज जो इस ब्रह्मांड में पाई जाती है उसका सबसे छोटा हिस्सा है। कोई भी चीज हो, जैसे कि ये मेरा शरीर है, इसके चारों तरफ जो है वो एक एनर्जी फील्ड है। पीछे आप पोस्टर देख रहे हैं, उसके चारों तरफ भी एक एनर्जी फील्ड है, ओके। और ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी ही हर एक चीजों के चारों तरफ पाया जाता है, जो उस भौतिक चीज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे बीमारियों की बात करेंगे कि जैसे रेकी से कोई बीमारी ठीक होती है, हालांकि मैं कहता हूं कि रेकी किसी बीमारी को ठीक करने का सिस्टम नहीं है। रेकी हीलिंग सिस्टम मेनली एनर्जेटिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है, जहां पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो, बीमारी हो, उसका जो रूट कॉज है, मूल कारण है, उसका वो विश्लेषण करते हैं, उसकी जो ब्लॉकेजेस है उसे दूर करते हैं, फिर उससे ही जो प्रभाव पड़ता है आपके भौतिक शरीर में या आपके मानसिक लेवल पर या फिर आपके भावनात्मक लेवल पर, उससे ठीक होने का एहसास होता है, और आपकी कोई भी बीमारी हो, दर्द हो, वो ठीक होते हुए देखा गया है। तो ये जो एनर्जी फील्ड है वो हर चीज के चारों तरफ होता है, तो वो बॉडी के चारों तरफ भी है। दैट मीन्स वो अंदर है, इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन चारों तरफ दिख रहा है, जिसको हम आभामंडल या फिर ऑरा कहते हैं। और ये जो ऑरा है, इसी में ही हमारे भौतिक शरीर का एक रिफ्लेक्शन भी होता है। जो फिजिकली होता है वो आपके उस एस्ट्रल बॉडी में भी दिखता है। इसीलिए जब हम रेकी प्रैक्टिशनर्स को हीलिंग करवाते हैं तो ऑरा क्लीनिंग सिखाते हैं बेसिक में ही, ताकि वो ऑरा क्लीनिंग करने से उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होते हुए उन्हें खुद को महसूस हो। 30-40-50% तो वही कम हो जाता है। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, मान लीजिए उसके सिर में दर्द हो रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस है, किसी को चिंता हो रही है, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, और ऑरा क्लीनिंग किया जाता है तो उस समय उसको पॉजिटिव फील होता है और वो जो दर्द है थोड़ा कम होने का भाव होता है। व्हाई? बिकॉज ऑरा में आपके फिजिकल बॉडी का एक एसेंस होता है, और वो जो नेगेटिव है, जो ब्लॉकेज है, वो यहाँ पे भी होने से, यहाँ से जब उसको निकाला जाता है तो फिजिकल बॉडी में राहत मिलती है। अब ये साइंटिफिकली कैसे है? साइंटिफिक है क्योंकि वो जो आभामंडल है, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आप आज के डेट में फोटोग्राफ कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक फोटो, जैसे आपको दिख रहा है एक बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ आपको एक रंगों का गुब्बार दिख रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो एक कैमरे से लिया गया है साइंटिफिकली। तो ये प्रूफ हो गया है कि होता तो है ये एनर्जी फील्ड, तो ये हील भी होता है। अभी हील होने के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। देखा गया है कि 90% जो बीमारियां हैं, किसी को भी कुछ भी बीमारी हो जाए, उसका मूल कारण साइकोसोमैटिक होता है, मतलब सोचने से हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है कि नकारात्मक सोचा होगा, नेगेटिव सोच होगी, नेगेटिव भाव होगा, तो फिर अंदर अलग अलग
टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, नेगेटिव फीलिंग आती है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसी से सर दर्द से लेकर कैंसर तक और स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक हो सकता है। तो इफेक्ट कुछ भी हो कि क्या बीमारी है, नाम कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उसका जो मेन कारण है वो कारण होता है वो साइकोसोमैटिक होता है। मतलब उसने नेगेटिव सोचना शुरू किया, नेगेटिव फील करना शुरू किया, चिंता करना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया, इरिटेट होने लगा, तो उसके अंदर की एनर्जी खराब हुई, सामने रिफ्लेक्ट होने लगा और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगे, नेगेटिव मैग्नेट बन गए और वो बीमार से और बीमार होते चले गए, ये देखा गया है। इसीलिए हम जब इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं रेकी हीलिंग को, तो सबसे पहले अपने एनर्जी को ठीक करते हैं इंटरनली, देन एक्सटर्नल जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिविटी दिख रही है उसे भी ठीक करते हैं, और जब हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरफ से एनर्जेटिकली हील होते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि सिम्टम होता है, बाहर दिखता है, वो भी ठीक होते हुए देखा गया है और जिसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घुटने में दर्द है और बहुत ज़्यादा उसकी ब्लॉकेज हो गई है, उसको ग्रीस बनना बंद हो गया है, काइंड ऑफ उसको अब नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हम उन्हें हीलिंग देते हैं। अब नॉर्मली दवाइयों से क्या करते हैं, वो भी उसमें ग्रीजिंग डालने की कोशिश करते हैं, उसको चलाने की कोशिश करते हैं और ठीक होते हैं। साइंटिफिकली प्रूव होता है, पहले ये पर्टिकुलर ब्लॉकेज था जो उनको दिखाई देता है और उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट से दूसरा दिखता है कि क्लियर हो गया, अब आप चल फिर सकते हो। ऐसे ही रेकी में भी हम मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई आप लाओ टेस्ट रिपोर्ट, क्या बोल रहे हैं आपके टेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें वो जो दिखता है, हाँ ये ब्लॉकेज तो दिख रहा है, हाँ दर्द भी हो रहा है, दोनों चीज़ें से कंफर्म हो गया, अब ना उसकी हीलिंग होती है, महीना, दो महीना, तीन महीना हीलिंग, ओनली हीलिंग, कोई दवाई नहीं, कोई मालिश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हीलिंग, एनर्जी हीलिंग जा रही है और अंदर जाने से क्या करेगा, वो जो ब्लॉकेज है उसे ठीक करता है। और ये जो ब्लॉकेज कैसे ठीक होता है, इसे भी आप एक एग्जांपल से समझें कि जैसे कि कोई प्राणायाम करते हैं, योगासन और प्राणायाम में जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें एनर्जी हीलिंग ही हो रही है, क्योंकि जो सांस है, सांसों के द्वारा उस प्राण शक्ति को एक जगह पर लगातार कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी का यहाँ कंधे में दर्द है क्योंकि कंधा ब्लॉक हो गया है और उसको कंधे घुमाने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ये तो प्रूव हो गया कि ब्लॉकेज तो है, दर्द हो रहा है। अब उसके लिए मान लो कि वो अनुलोम विलोम करते हैं, यू नो, अनुलोम विलोम के बाद कपालभाति करते हैं, कुछ ऐसा जो सांसों की प्रक्रिया है, जो कि आप लोग को पता है कि कैसे काम करता है, हजारों साल से हमने देखा है कि ये काम करता है, तो उसको जब लगातार अनुलोम विलोम और कपालभाति कर रहे हैं तो उससे वो ब्लॉकेज दूर हो जाता है। कैसे, वो जो सांस है उससे उस प्राण शक्ति को वहाँ पे बार 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 हिट किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहीं वो टारगेट करके हिट करता है, और जब वो हिट होता है बार बार, तो वो जो ब्लॉकेज है वो यहाँ से खुल जाता है और फिर वो दर्द दूर होते हुए देखा गया है। तो इस तरीके से जब वो काम करता है सांसों के द्वारा, यहाँ पे ये काम करता है एनर्जी के द्वारा, जो रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी होता है, जिसको हिंदी में कहे तो सर्वव्यापी जीवनदायिनी शक्ति जो होता है ब्रह्मांड की, उससे हम कनेक्ट होते हैं, यहाँ से वो प्रवेश करता है, हाथों से निकलता है, तो बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, वो पावरफुल है, और उससे जब हम हीलिंग करते हैं, मान लो यहाँ कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, हीलिंग कर रहे हैं, आराम से हाथ रखा हुआ है, अंदर हीलिंग जा रही है, जिसको हम स्पर्श चिकित्सा या टच हीलिंग कहेंगे, जब लगातार रेकी जाएगी, दिन, दो दिन, पाँच दिन, हफ्ते दिन, तो वहाँ पे आराम मिलते हुए दिखाई दिया है, और महीने, दो महीने, तीन महीने में तो बड़ी बड़ी बीमारी को भी दूर होते हुए दिखा गया है। तो क्यों काम करता है, क्योंकि ये एनर्जी अंदर जाके जो भी ब्लॉकेजेस है उसे दूर करता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी में जो चक्रों के बारे में बात की जाती है, जो कि स्पिरिचुअली सभी को पता है कि हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास होते हैं, तो ये जो मेजर चक्रास है वो साइंटिफिक कैसे हो सकता है, हो सकता है क्योंकि इस पे भी काम किया है, साइंटिस्ट ने देखा है, जिस चीज़ को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ध्यान की अवस्था में देखा था और उसे उन्होंने चक्र नाम दिया, जिसे अभी हम एनर्जी वोर्टेक्स कह सकते हैं, कि वहाँ पे घूमते हुए एनर्जी का एक वोर्टेक्स बनता है, दिखाई दिया है, उसको साइंटिफिकली हम ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ आज्ञ चक्र अगर है तो इसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, यहाँ पे अगर विशुद्ध चक्र है तो इसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और अगर यहाँ पे हम हृदय चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं तो ये थाइमस ग्लैंड है। ऐसे ही 7 चक्रों के अलग अलग साइंटिफिक नाम है ग्लैंड्स के रूप में।
तो ग्लैंड्स क्या होता है, साइंटिफिकली क्या बोला गया है? ग्लैंड्स एक ऐसी बॉडी पार्ट है, एक ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे हमारे आसपास की नाड़ियाँ आके मिल रही है। अलग अलग नाड़ियाँ होती है पूरे शरीर में और एक जगह पे एक एनर्जी सेंटर बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी नाड़ियाँ एक जगह जुड़ गई है। उस जगह में चूंकि बहुत सारी एनर्जी सेंटर्स जुड़े हुए हैं, एक जगह पे बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एक चक्र बनाता है। और जो वो एनर्जी का चक्र जो बनता है उसी को चक्र या फिर एनर्जी वोर्टेक्स बोलते हैं। अब वो क्यों बन रहा है? क्योंकि वहां पे बहुत सारी नाड़ियां मिल रही है। अब इसी चीज को हमने चक्र बोला है। और चक्र से रिलेटेड कई सारे बॉडी पार्ट होते हैं और उसी को जब कोई प्रॉब्लम हो उस एरिया में तो हम उस चक्र को हील करते हैं और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपर थायराइड या हाइपो थायराइड, जो भी प्रॉब्लम है उससे या तो उसका वजन घट गया होगा या तो वजन बढ़ गया होगा। और भी कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने से कई सारी बॉडी में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। अब वो जो प्रॉब्लम हो रही है मेडिकली उसे मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन से ये जो ग्लैंड है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है और वो प्रॉब्लम का जो भी सिम्टम्स है वो दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो ठीक हो गया। लाइकवाइज यहाँ पे हम नॉर्मली हीलिंग करते हैं, आराम से हाथ रख के हीलिंग करते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कुछ हद तक रिजल्ट दिखता है। और महीने 2 महीने 3 महीने में वो जो कोई भी प्रॉब्लम है थायराइड का देखा गया है कि ठीक हो जाता है। कैसे पता चलेगा ठीक हो गया? डेफिनेटली पहले का मेडिकल रिपोर्ट होगा, बाद का मेडिकल रिपोर्ट है, दोनों में दिखता है कि हाँ बाद में थायराइड की वो प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस हो गया है। और प्लस इंडिविजुअल खुद बताता है कि हाँ वो जो इफेक्ट था, वजन बढ़ गया था या घट गया था, वो भी ठीक हो गया है, आजकल पॉजिटिव लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, दैट मीन्स ठीक हो गया। इस तरीके से देखा गया है कि रेकी हीलिंग सिस्टम को अगर हम सही तरीके से समझे और वैज्ञानिक माने तो वो काम कर रहा है। और चूंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं दुनिया में जो काम करती है, तो सामने वाला भी कहता है कि हाँ ये काम कर रही है। और आजकल तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसी ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम को मानने लगे हैं, तो आजकल रेकी को भी मानते हैं। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल फील्ड से हैं और वो लोग भी रेकी प्रैक्टिस करते हैं और उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है और वो दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसलिए मैं यही कहता हूँ, मैं भी एक साइंटिफिक पर्सन हूँ और मैंने देखा है कि ये चीज़ जब मैं साइंटिफिकली लोगों को समझा पा रहा हूँ तो लोग इसको मानते हैं और फिर ये कोई अंधविश्वास नहीं रह जाता, ये एक प्रूव्ड साइंस बनता है कि हाँ रेकी भी काम करता है, क्योंकि ये काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रिकी ब्लेस यू।